जुबैर साहब, अगर 3 साल के तहरीके इंसाफ की हुकूमत का मोटे मोटे नंबर्स का जायज़ा लें ना, तो पहले साल ही मुझे लगा कि इनकी इकनॉमिक टीम ने प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे ज़्यादा जो कांटे बोए ना, वो इनकी इकनॉमिक टीम ने बोए। टैक्स रेवेन्यू में पहले साल ही 600 अरब की शॉर्टफॉल होगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि रुपया आपका 150 पे चला गया था डॉलर के मुकाबले में। दूसरे साल 5555 अरब का टैक्स रेवेन्यू टारगेट रख दिया, 1600 अरब की शॉर्टफॉल होगी, तो बजट तो आपका बेड़ा गर्क हो गया। इंटरेस्ट पेमेंट्स बढ़ गई, एक्सपोर्ट्स पिकअप नहीं की लास्ट ईयर आप की जो तीसरे साल में जाके, इम्पोर्ट्स का प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया, तो इकॉनमी आपकी बिल्कुल फ्लैट हो गई। अब निकलती नज़र आ रही है, आपका तजिया? पहली बात तो ये है कि पीटीआई का जो सबसे बड़ा मसला था ना, वो इमरान खान थे खुद और उनके इकोनॉमिक एडवाइज़र सारे थे, क्योंकि वो एक शेख चिल्ली का सुना है ना, वो ऐसी ऐसी बातें करते थे कि जो उनके निकात थे वो तो मज़ाक़ा खेज समझते थे, लेकिन उनके जो चाहने वाले थे इंक्लूडिंग एजुकेटेड पीपल, वो समझते थे कि ये सब कुछ इमरान कर देगा। और इमरान ने कमिटमेंट जो की थी और प्लान जो बनाया था, वो बार बार उसमें एक उस पाकिस्तान का तसव्वुर देते थे जिस पाकिस्तान का वजूद ज़ाहिर है था नहीं, और जिसका अगर नज़दीक तरीन कोई अगर देखा जाए मुल्क तो वो स्विट्ज़रलैंड या स्वीडन नज़र आता था। तो वो एक अजीब से एक ख्या उसमें थे। और उसका एक जो सबसे बड़ा उनकी तरफ से इतराफ़ हुआ, सबसे बड़ा इतराफ़ हुआ, कि जो उन्होंने नया पाकिस्तान बनाना था और उसके जो पोस्टर बॉय थे जिन्होंने उस नए पाकिस्तान की तकमील करनी थी, वो असद उमर थे। ये हम नहीं कह रहे, शहरयार अफरीदी बैठे हुए हैं ये भी कहेंगे, और सारा पाकिस्तान उसका इतराफ़ करता था कि उनके पास हर चीज़ का जवाब है, हर चीज़ का सोल्यूशन है। लेकिन हुआ क्या कि 8 महीने सर खराबी आप पैदा करके गए थे, ज्यादातर तो बुराइयों की बुनियाद यही है कि आप खराबी पैदा करके गए थे 3 साल में, समझ नहीं। सुन तो लें, असद उमर को तो हमने नहीं कहा था ना निकालने के लिए। असद उमर जिस स्कूल ऑफ थॉट से आए थे, जो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, हफीज शेख उसके बिल्कुल 180 डिग्रीज डिफरेंट थे, उनका नए पाकिस्तान से कोई तसव्वुर ही नहीं था। तो ये कैसे हो सकता है कि बयानिया कोई लेके आए इम्प्लीमेंट करने के लिए, 8 महीने के बाद किसी और को बिठा दिया जाए जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, जिसका कोई कमिटमेंट ही नहीं है उस प्लान से। असद उमर, हफीज शेख दोनों इमरान खान कितने देते हैं 0 to 10? सबसे बड़ी मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, देखें मैं आपको बिल्कुल इसमें कोई हंसने की बात नहीं, जब इमरान खान ये कहते थे ना कि, और मैं ऑलमोस्ट उनके वर्ड बाय वर्ड ये रिपीट कर दूं, अल्लाह की कसम 3 दफ़ा उठा के उन्होंने कहा कि मैं $200 बिलियन लेके आऊँगा, और उसका मतलब क्या होगा, पूरा इकोनॉमिक प्लान दे दिया, 10 साल तक टैक्स हॉलीडे होगी पूरे पाकिस्तान के लिए, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, कोई एक पैसे की महंगाई नहीं होगी। अभी आप मुझे ये बताएं कि कोई ये ऐसी बातें करे तो शेख चिल्ली भी नहीं ये करता था। तो वो इकोनॉमिक प्लान तो धड़ाम से गिरना था। इकोनॉमिक प्लान में 61 पेजेस में से 43 टाइम्स वर्ड रिफॉर्म यूज़ हुआ था। रिफॉर्म के जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के मिनिस्टर थे वो 3 साल के बाद चले गए, आपने कुछ सुना है नदीम? वो प्लान आपने कभी डॉक्टर इशरत को सुना कि जी ये रिफॉर्म कर रहे हैं या ये रिफॉर्म कर रहे हैं? वो प्लान रेलवे को देख ले, पाकिस्तान स्टील मिल के बारे में हमें बताया गया कि सिर्फ एक चीज करनी होती है पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस को ठीक करने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 3 साल हो गए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं लगा सके। अभी इतनी नकम्मी, एक तो प्लान बनाना इतना फॉल्टी, 1 करोड़ नौकरियां, 6 से 7 अगर आप ग्रो करेंगे तो आप एक नौकरी देते थे ना जुबैर साहब? वो प्लान किसने बनाया था? इमरान खान और उनकी इकोनॉमिक टीम ने बनाया था। असद थे सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व थे, और उसमें जहांगीर तरीन थे, और जो विजन जिनका था सबसे ज्यादा वो मुराद सईद का था, बिकॉज वो $200 बिलियन तो उन्होंने कमिटमेंट कि वो लेके आएंगे।